अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे माय टॉपिक इज़ द यूनाइटेड नेशंस। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश इन 1919, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन लॉस्ट इट्स यूजफुलनेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक, उसके बाद जो था वो डिफरेंट नेशंस जो थी उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1919 में बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इस जो लीग ऑफ नेशन थी इसकी यूजफुलनेस जो थी, अफादियत थी, वो ख़त्म होती चली जा रही थी। सीइंग द आफ्टर मैथ ऑफ द वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसके असरात देखने के बाद, द ह्यूमन रेस कंसीडर, तो इंसानी नस्ल ने ये ज़रूरी समझा, इट्स नेसेसरी टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कि अब उन्हें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगी टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए, बाहमी तावुन के लिए जो था उन्हें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगी, एंड टू पुट अ स्टेप टू द फ्यूचर वॉर्स, स्टॉप टू द फ्यूचर वॉर, ताकि वो आने वाली जो जंगें हैं, आगे आने वाले जो हमारी नेशन हैं उनको फ्यूचर वॉर से, जंगों से बचाया जा सके। द हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ द बिग कंट्रीज, और इस सिलसिले में जो था वो दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी उनके जो हेड थे, हेल्ड मैनी मीटिंग्स, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, मीटिंग्स की। लास्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1945 इन सैन फ्रांसिस्को, और जो उसकी सबसे जो लास्ट में कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1947 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी अमेरिका में, एंड इट वाज कंसीडर्ड टू क्रिएट द यूनाइटेड नेशन, और इसमें ये जो था डिसाइड किया गया था कि यूनाइटेड नेशन को जो है वो बनाना है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 50 स्टेट्स, और 50 जो ममालिक हैं उनके नुमाइंदे जो थे अप्रूव द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को पास किया ऑन 25 जून 1945। दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बींग ऑन द 24 अक्टूबर 1947, और इस तरीके से 24 अक्टूबर 1945 में जो था ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई थी। अब सबसे अहम चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या मकासद थे यूनाइटेड नेशंस के, तो नंबर वन था इस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल पीस, जो है वो बैन अल-अक़वामी अमन पैदा करना। सेकेंडली जो था इसका वो ये था इकोनॉमिकल सोशल कोऑपरेशन, के इकोनॉमिकल और सोशल तावुन होना चाहिए। नंबर थर्ड था प्रोविजंस ऑफ द जस्टिस, इंसाफ की जो है वो बोलबाला होना चाहिए। नंबर फोर्थ है रिजॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स, और इंसानों के जो मसाइल हैं उनको जो है वो हल करना चाहिए। ये चार मकासद थे बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, देर आर द सिक्स ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नंबर वन जो सबसे बड़ा अदारा है इसका, जनरल असम्बली। सेकंड जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। फिर आपके पास ट्रस्टीशिप काउंसिल आती है। फोर्थ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नंबर फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड नंबर सिक्स इज सेक्रेटरीट। नंबर वन जो है वो जनरल असेंबली है। या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आता है कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द जनरल असेंबलीज, कि जनरल असेंबलीज की जिम्मेदारी क्या है। द जनरल असेंबली इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा इदारा है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द जनरल असेंबली सेशन, और तमाम मेंबर कंट्रीज जो हैं, जो यूएन के मेंबर हैं, वो जनरल असेंबली के सेशन जो होते हैं उसमें इनकी पार्टिसिपेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है। इट्स सेशन इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन सितंबर, और ये सेशन जो है वो हर साल सितंबर के महीने में हेल्ड होता है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम इसकी जिम्मेदारियों की बात करें कि इनके क्या काम है, इट्स इंक्लूड द इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इनका काम यह है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनके नॉन परमानेंट मेंबर को सिलेक्ट करें। गेमिंग मेंबरशिप टू द न्यू स्टेट्स, नए मुल्कों को जो है वो मेंबरशिप दे, एंड टर्मिनेटिंग द मेंबरशिप ऑफ द सम स्टेट, और कुछ कंट्रीज़ की जो है वो मेंबरशिप को जो है वो मुअत्तल कर दें, टर्मिनेट कर दें उन्हें। अप्रूविंग द बजट ऑफ द यूएन, और यूनाइटेड नेशन का जो है वो बजट ये जो है ये देखते हैं। उसके अलावा जो है उनका एक काम जो था मेजर्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस, और आलमी अमन जो है उसके काम के लिए कोशिशें करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जनरल असेंबली की है। सिक्योरिटी काउंसिल आ जाते हैं। अगर सिक्योरिटी काउंसिल
द यूनाइटेड नेशन सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो दूसरा और सबसे अहम ऑर्गन है. दिस ऑर्गन इज कंसीडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन. अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव विंग भी कहें तो ये गलत ना होगा. द टोटल मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज 15 और सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी तादाद 15 है. फ्रॉम अमंग दैम इनमें से जो है वो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना आर द 5 परमानेंट मेंबर. इनमें जो 5 ममालिक हैं ये परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, बाकी जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं. ठीक है, कौन कौन से मेंबर परमानेंट हैं? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. द सिक्योरिटी काउंसिल सेशन आर हेल्ड आफ्टर द शॉर्ट इंटरवल. और सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो थोड़े थोड़े दरानिए के बाद होता है. द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल इज इलेक्ट एवरी मंथ और हर महीने इस सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेजिडेंट है वो चेंज होता है. द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर मेड आफ्टर द ऑन द कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट 9 मेंबर आउट ऑफ 15. और सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस होते हैं उसके ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजन होते हैं उसके लिए 15 में से 9 मेंबर की जो है वो मंजूरी बहुत ज़रूरी होती है. एंड इट इज़ नेसेसरी दैट दिस 9 मेंबर्स शुड इंक्लूड द 5 परमानेंट मेंबर. और उसमें भी एक कंपल्शन है कि इन 9 में जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो मस्ट हैं कि उनको शामिल होना चाहिए. इसके अलावा है इफ़ अ परमानेंट मेंबर गिव्स अ नेगेटिव ओपिनियन और अगर कोई परमानेंट मेंबर किसी बारे में नेगेटिव ओपिनियन दे दे देन द डिसीजन कैन नॉट बी मेड. तो डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता. दिस राइट ऑफ द परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड द वीटो और इस परमानेंट मेंबर का जो राइट है इसको वीटो कहा जाता है. इट्स मेन ड्यूटीज इंक्लूड्स, अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की ड्यूटीज की बात करें तो नंबर 1 इनकी ड्यूटी जो है वो है एस्टैब्लिशिंग पीस, अमन कायम करना है. नंबर 2 जो है वो रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट, बैन अल-अक़वामी झगड़े जो हैं उनको ख़त्म करना है. मेंबरशिप ऑफ द न्यू कंट्रीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ इट्स कैंसिलेशन. अच्छा, अभी कि नई जो नेशंस हैं या कंट्रीज़ हैं उनको मेंबरशिप देना, उसके अलावा किसी भी कंट्री की जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल करने के बारे में ये राय देते हैं. इलेक्टिंग द जजेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसका जो जज है उसको भी यही लोग सिलेक्ट करते हैं. उसके अलावा आपके पास आ जाता है कि जनरल असेंबली फॉर द इलेक्शन ऑफ द जनरल सेक्रेटरी. अब है कि जनरल असेंबली फॉर द सेक्शन ऑफ द जनरल सेक्रेटरी. जनरल असेंबली जो है वो उसका जो वो जनरल सेक्रेटरी को जो है वो सिलेक्ट करती हैं. आगे आ जाता है जनरल सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरीट का जो है वो आपके पास हेड होता है बेसिकली. ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 3 वाला पॉइंट आपके पास आ जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑन पेज नंबर 49. द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये जो ऑर्गन है इदारा है यूनाइटेड नेशन का, मेड अरेंजमेंट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रियूंड नेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. रियूंड नेशन जो है तबाह हाल कौमें जो हैं उन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो गई थी उनकी बहाली के लिए जो है ये यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है ट्रस्टीशिप काउंसिल ये काम करता है. इट एक्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड द अदर नीड्स ऑफ दीज रीजन्स एज द सुपरवाइज़र. और ये एज अ सुपरवाइज़र काम करते हैं ताकि उन कंट्रीज़ की जो है वो एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और कल्चरल नीड्स को जो है वो पूरा किया जा सके. दिस सुपरविजन कुड बी कंटिन्यू टिल दिस नेशन बिकम कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अटेनिंग द इंडिपेंडेंस. और इन जो ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो सुपरविजन है, निगरानी जो है वो तब तक जारी रहती है जब तक ये कंट्रीज जो है वो इस काबिल ना हो सकें कि वो दोबारा से आज़ादी हासिल कर सकें या इंडिपेंडेंट हो सकें. नाउ दिस ऑर्गन हैज़ लॉस्ट इट्स यूजफुलनेस, लेकिन अब ये अदारा जो है वो अपनी यूजफुलनेस. फोर्थ नंबर पे हमारा जो टॉपिक है फोर्थ नंबर पे इकोनॉमिकल एंड द सोशल काउंसिल. इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के अंदर आ जाते हैं. देर आर द टोटल ऑफ द 54 मेंबर्स इन दिस काउंसिल. इस काउंसिल के 54 मेंबर्स हैं. दे आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. और इन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर सेलेक्ट करते हैं. और द टेन्योर ऑफ ईच मेंबर इज 3 ईयर और इनका टेन्योर जो होता है मुदत होती है या दुरानिया होता है उनकी सर्विस का
का वो 3 साल होता है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर ईच ईयर। और इस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर्स में से हर साल जो है वो 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस। और नए जो मेंबर्स हैं वो उनकी जगह इलेक्ट किए जाते हैं। द काउंसिल मीटिंग्स आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। और इसकी मीटिंग जो है वो साल में 3 बार होती है। अदर दैन दिस स्पेशल मीटिंग्स कैन बी कॉल टू, उसके अलावा कुछ अहम मीटिंग्स और भी की जा सकती हैं। द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल इलेक्ट अ प्रेजिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। और उनका जो प्रेजिडेंट है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल का वो इन्हीं में से सिलेक्ट किया जाता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मैन, इंसानों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बुलंद करता है। ट्राइंग फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट के काम करते हैं। कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर फील्ड, टेकिंग मेजर टू एडिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं, पॉवर्टी को, गुर्बत को और डिजीज़ बीमारी को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। नंबर 5 में आपका पास आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी हम बात करें, द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज़ अ टोटल, देयर इज़ टोटल 15 जजेस इन द कोर्ट। और इसके अंदर जो है वो आपके पास 15 जजेस होते हैं इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। 15 जजेस होते हैं हु बिलोंग्स टू द डिफरेंट कंट्रीज, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं एंड हु आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनको भी सिलेक्ट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली करती है, ठीक है। और इन जजेस का जो टेन्योर है वो 9 ईयर्स होता है। मोर देन वन जज कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ कंट्री। और किसी भी कंट्री से एक के अलावा दूसरा जज नहीं लिया जा सकता। द कोर्ट मेक इट्स डिसीजन अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स। और जो डिसीजन होता है वो प्रेजेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी पर जो है वो डिपेंड करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें इनकी तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट्स, मुल्कों के दरमियान जो अख्तिलाफात हैं इसको ख़त्म करते हैं, ये उसको सॉल्व करते हैं। उसके अलावा मैनिफेस्टो ऑफ द यूनाइटेड नेशन के जो मंशूर के मुताबिक जो है वो स्टेट्स के जो झगड़े लड़ाई हैं उनको ख़त्म करते हैं। इन एडिशन हियरिंग द केस ऑफ ऑल टाइप, हर किस्म की केसों को सुनते हैं ये, इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग इंटरनेशनल लॉ, और उसको फिर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जज करते हैं। एंड गिविंग लीगल एडवाइस टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर आल्सो इट्स ड्यूटी। और यूनाइटेड नेशन के जो डिफरेंट इदारे हैं उनको भी ये लीगल एडवाइस देते हैं। ट्रेड की बात करते हैं तो दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का जो रिकॉर्ड ऑफिस है एंड सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, और ये न्यूयॉर्क में वाकया है। द हेड ऑफ दिस सेक्रेटरीट इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी जनरल, और इसका जो हेड है वो सेक्रेटरी जनरल है। मैनी सेक्रेटरीज आर इलेक्टेड फॉर दिस असिस्टेंट, और उसकी मदद के लिए जो है वो और भी सेक्रेटरीज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर्स, और सेक्रेटरी जनरल जो है उसको इलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। और उसकी ड्यूटीज़ जो है कीप द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग्स का जो रिकॉर्ड है, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्गन्स, तमाम यूनाइटेड नेशन के जो इदारे हैं उनकी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं और जो होने वाली मीटिंग्स हैं उनके बारे में ये रिकॉर्ड रखते हैं। एंड द डॉक्यूमेंटेशन इन इट सेफ कीपिंग, उसको उसका जो रिकॉर्ड है वो महफूज रखते हैं।